इधर जशपुर में जोरदार बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदला। बगीचा नगर पंचायत में राजपुरी नदी उफान पर आ गई। पुलिया के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आया, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। तो जशपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक से मौसम ने करवट ली और उसके बाद तेज बारिश का दौर यहां पर देखने को मिला। सड़कें पानी से लबालब हुई, पुलिया के ऊपर पानी बहता हुआ नजर आया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो रास्ता एक तरफ से दूसरी तरफ जुड़ता था, वो पुल के ऊपर पानी बहने की वजह से पूरी तरीके से बाधित हुआ। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी किया था कुछ दिन पहले ही कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश देखने को मिल सकती है। और बारिश देखने को मिली भी जशपुर में, और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ नज़र आया, दुकानों के सामने भी पानी भर गया। और ये सबसे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिया के ऊपर से पानी बहा, नदी नाले भी उफान पर यहाँ पर आ गए, जिसके चलते आवागमन यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित नज़र आया। तो देखिए, जशपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के और भी अलग अलग इलाकों में इस वक्त बारिश का दौर जारी है, और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से मौसम का मिजाज बदला रहेगा, बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो देखिए, बारिश की दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जशपुर की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की। पहली तस्वीर जहां आपने देखा कि नदी नाले उफान पर आ गए, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए जो कि शिक्षा विभाग की पोल खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। स्कूलों में आप देखिए किस तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए, जून का आखिरी महीना है, स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूल लगभग खुल चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और उसके बावजूद ये तस्वीरें आप देखिए जरा स्कूल की कि कैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बच्चे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, कुछ बच्चे आपको स्कूल ड्रेस में भी नजर आ रहे होंगे। और ये क्लास की तस्वीरें आपने देखी, तो वही सड़कों की तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरीके से पानी से लबालब सड़कें हुई हैं। तो दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। और उसके बाद जशपुर की तस्वीर और सूरजपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। जशपुर में जहाँ पर आपने देखा कि नदी नाले उफान पर यातायात प्रभावित हुआ, तो सूरजपुर में स्कूल के अंदर पानी घुसा है। इधर रीवा और मऊगंज इलाके में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि मृतकों में से 2 लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, और घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। वही ग्वालियर की बात की जाए, तो ग्वालियर में बारिश का पानी घरों में घुसा है, और इसको लेकर पार्षद के साथ आम लोग भी धरने पर बैठ गए। स्थानीय पार्षद के साथ ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने पर मुझे इसलिए बैठना पड़ा, कल रात से जब लोगों के भी ये 327 है ना पप्पू गुर, इनके मकान में मेन रोड पर दीवान डूब गया था आधा। और उसके बाद जब मैं निवेदन किया एडिशनल कमिश्नर साहब से, तो उसके बाद भी 11 बजे तक कोई अधिकारी जोनल ऑफिसर तक नहीं आया। उसने भी नहीं सोची कि आदमी अगर चला जाए, तब जाके 11 बजे की मशीन आई, जरा सा तोड़ा उससे, तब वर्षा बंद हो गई तो अपने आप पानी उतरा। आज ये स्थिति यहाँ पर है, ये पानी रात के नहीं बरसा, नहीं यहाँ तक पानी उतरा। आप देख रहे हैं हालत क्या है, बस से बदतर हालत है। ये बगल में मंदिर है, यहीं सीवर का और बरसात का पूरा पानी भरा हुआ है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। आनंद नगर के लोगों में घरों के अंदर पानी घुस गया। 12 बीघा में हालत देख लिए, क्या हालत हो रही है। अभी तो थोड़ी सी बरसात हुई है, अगर थोड़ी सी बरसात में इतनी बुरी हालत हो रही है, तो अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो क्षेत्र की जनता की क्या हालत होगी, लोगों की क्या हालत होगी, लोगों को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। आज मजबूरन जब रात भर क्षेत्रीय पार्षद फोन लगाते रहे, कोई अधिकारी ने सुध नहीं ली, तो मजबूरन इस सीवर के और बरसात के पानी में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं कि ये जनता की तकलीफ दूर करिए और निंदा से जागिए।